नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। टॉप मोस्ट 5000 बेस्ट एमसीक्यूज फॉर जनरल स्टडीज़ के पार्ट फोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो खंड शिक्षा अधिकारी सुपर टेट, इसके अलावा लेखपाल भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ाम्स और यूपी पीएससी के सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। कुल मिला के 5000 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट होगा जिसमें हम विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किसने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? और दोस्तों, इसका सही जवाब है टी एच हक्सले। तो विकल्प ए यहां पर सही जवाब है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? और इसका सही जवाब है कॉपरनिकस ने, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब इसका ऑप्शन डी, सोलेस ने। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? और इसका सही जवाब है विलियम हर्वे ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विलियम हर्वे। सर्वप्रथम इंग्लैंड में छापने का प्रयास किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम कॉक्सटन। तो विलियम कॉक्सटन इसका सही जवाब हो गया। यूरेनस का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा हर्सेल, यानी कि विकल्प बी इसका सही आंसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13 मार्च 1781 को हर्सेल ने एक नए ग्रह की खोज की थी। यह ग्रह था यूरेनस और इसे अरुण के नाम से भी जाना जाता है। दूरबीन के द्वारा खोजा जाने वाला यह पहला ग्रह था। इसकी खोज हुई थी 1781 में। ये हैं हर्सेल। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रोमर। दोस्तों, आपको बता दें कि 1676 में प्रकाश की गति का पहला सफल माप, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश की गति का निर्धारण ओल्स रोमर ने किया था, ओ रोमर। और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह साबित किया कि प्रकाश एक सीमित गति से यात्रा करती है। उनका सिद्धांत बृहस्पति के चंद्रमाओं के अध्ययन के अवलोकन पर आधारित था। वे जब बृहस्पति के चंद्रमाओं में किसी एक का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस चंद्रमा के ग्रहणों के बीच का समय पूरे वर्ष में अलग अलग है और यह पृथ्वी के बृहस्पति के निकट आने या उससे दूर जाने पर आधारित है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ, या फिर शून्य का आविष्कार किसने किया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीयों ने। नेक्स्ट, रोनाल्ड रॉस की खोज क्या थी, यानी कि रोनाल्ड रॉस जो कि भारतीय थे तो उन्होंने क्या खोज की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेरिया पैरासाइट की। रोनाल्ड रॉस 13 मई 1857 को इनका जन्म हुआ, 16 सितंबर 1932 को इनकी मृत्यु हो गई। एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने चिकित्सा के साथ साथ मलेरिया के परजीवी, जिसको आप परजीवी प्लाज्मोडियम के नाम जानते हैं, उसके जीवन चक्र के बारे में इन्होंने खोज की थी। अगला सवाल है, किसने कृत्रिम जीन का आविष्कार किया था? कृत्रिम जीन का आविष्कारक कौन था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 9 जनवरी 1922 को रायपुर जिला मुल्तान पंजाब में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 9 नवंबर 2011। उम्र थी उस समय लगभग 89 वर्ष।
तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है उसका सही जवाब है हरगोविंद खुराना, एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय अमेरिका में अनुसंधान करते हुए इन्होंने 1968 में मार्शल डब्ल्यू निडेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था संयुक्त रूप से, और उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया था जिसमें कोशिका के आनुवंशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को यह नियंत्रित करता है। हरगोविंद खुराना और निडेनबर्ग को उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय में लुइसा ग्रास हार्विज पुरस्कार भी दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो यह था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एक बात और भी याद रखिएगा कि आइंस्टीन को जो पुरस्कार मिला था यह मिला था 1921 में, जबकि उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी 1905 में। इतिहास से अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो 1905 में ही बंग भंग हुआ था जिस वर्ष फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की गई थी आइंस्टीन के द्वारा, और 1921 में इनको नोबेल मिला था। यह वही समय है जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो इस प्रकार हमें इंटरकनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। वेंचुरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, वेंचुरी ट्यूब, और इस प्रश्न का सही जवाब है द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए, यानी कि विकल्प डी। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम इंडिकेशन ऐसे होता है, और इससे प्रकाश तरंगों की लंबाई मापी जाती है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। दाब मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दाब मापन, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मैनोमीटर। अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? अल्टीमीटर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह ऊंचाई को मापता है। इसके बाद अगला सवाल, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किस वस्तु का या विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी, सही जवाब है ऑप्शन सी, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी क्या है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी क्या है? यह पक्षियों का अध्ययन, तो विकल्प सी। बताइए कि गंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटीन से। और दोस्तों एक सवाल आप लोगों से, बताइए कि एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी किसका अध्ययन है? एपिडेमियोलॉजी किसका अध्ययन है? महामारियों का, वाय त्वचा की बीमारियों का, अंतर त्वचा की बीमारियों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा, और ये सीरीज लगातार जारी है, प्रतिदिन रात 8 बजे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसे किसी एजुकेशनल ग्रुप या फिर इसे फेसबुक पेज पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।